जी मेरा नाम मोहम्मद जमील, सरपंच कस्बा ऊपर पंचायत से हूँ। आज हमारे पंचायत में एक लड़का जिसकी एज 24-25 साल एज है उसकी, एक उसका मेन फील्ड से, क्योंकि दो तीन दिन से वहाँ पे बरसात हो रही थी, दो दिन से उसकी वजह से रास्ते पर कहीं जा रहा था, वहाँ पे बारिश की वजह से एक मेन नीचे कहीं मेन आ गया, उसकी वजह से इसका एक पाँव चले गया। उसमें हमें नाते एक दुखी बात है, और ख़ास तौर पर मैं इंडियन आर्मी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमेशा वो हमारी लोगों की सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर एरिया है, और आज भी उन्होंने एक बंदा यहाँ पे भेजा है, कम से कम मुझे जहाँ तक 20,000 रुपया भी उसको अमदाद करने के लिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ से वो बांडी जैसे चौकी से कस्बा ऊपर पंचायत में गाड़ी लेके एम्बुलेंस लेके वहाँ पे पहुँचे, और हमारे वहाँ से शिफ्ट करने में कम से कम 2 घंटे लग गए, क्योंकि रोड की वजह से हमें बहुत बड़ी एक दिक्कत बनती है। मैं आपके चैनल के मुताबिक इंडियन आर्मी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने आज बंदा जो भेजा 20,000 रुपया अमदाद किया यहाँ पे, और ब्लड के लिए भी उन्होंने बोला कि इसकी हम मदद करेंगे, क्योंकि ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। जावेद इकबाल, सना मोहम्मद शरीफ, यह कस्बा ऊपर पंचायत का रहने वाला है, और ख़ास तौर पर मैं आपका चैनल का भी बड़ा शुक्र। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, मैं आज यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से आया था। एक कस्बे में एक मोहम्मद जावेद सना मोहम्मद शरीफ, वार्ड नंबर 4 कस्बे का एक माइन कैजुअल्टी से उसका पाँव चला गया, इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से मेरे को सोलंग गढ़वाल के CO साहब ने 20,000 रुपया कैश दिया था, जो उनको दे करके उनकी फैमिली को दे करके उनकी मदद की है, इसीलिए आया था सर। ओके, थैंक यू। हम इसके बाद भी अगर कोई भी आर्मी की तरफ से, पहले भी मदद किया पीछे भी करेंगे, है नहीं, आर्मी तो हमारे 24 घंटे हमारे पब्लिक के लिए, आर्मी हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है हर साइड से मदद करने के लिए। देखो इस वक्त तक भी मतलब इनके ये कैजुअल्टी पहुंचने से पहले मेरे को यहाँ भेज दिया कैश दे करके CO साहब ने, कि चलो उनको हो सकता है जम्मू रेफर करें, कहीं भी करें तो उनकी मदद की जाए। हाँ, आज एक माइन ब्लास्ट इंजरी आई है जो कस्बा में हुआ है। पेशेंट का नाम है मोहम्मद जावेद, जो कि 3:30 बजे के करीब वहाँ पे उसको इंजरी आई है, और उसको यहाँ पे लाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुछ भी, तो हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे इलाज है। अभी क्या कंडीशन है? अभी तो नहीं कह सकते कि उसकी राइट लेसेटेड मोड आया है, उसको लाइट लेग में बड़ा डेट भी कर रहा है, अभी पता नहीं है, लेकिन अंडर ट्रीटमेंट है अभी वो।